तो यस, मैं आ चुका हूँ अपने प्यारे से बॉस को लेके। भाई देखो, दिवाली चल रही है एंड दिवाली में हर चीज खूबसूरत दिखना तो बनता है, तो अपनी बस भी काफी ज्यादा डेकोरेट करी गई है। कितने क्रेजी बलून्स लगाए हैं, वो भी इधर से लेकर उधर तक है। एंड यस, माला वाला भी चढ़ाई गई है, चढ़ाई नहीं लगाई गई है बस को। एंड ये कौन से साउथ इंडिया की लैंग्वेज है मुझे नहीं पता, आई थिंक ये तमिल है। एंड यहाँ पे लक्ष्मी ने उसको ऐसा काटा क्यों मारा है, बट अपनी बस फास्ट है। एंड इधर से भी क्रेजी है, एंड ये रात को चमकती भी है। मैं दिखाऊंगा जब रात होगी तब। तो पहले घुसे गेम में एंड चला थे अपने इस बस को, वो भी आज हम लोग टूर करने वाले। देखो इधर खतरनाक टूर है। एक तो स्टडी टूर नहीं करने यार, मजेदार फैमिली गैदरिंग तिमूर पार्क में, ये लग रहा है क्रेजी। एंड एक दूसरे मंदिर में उलुवाटू टेम्पल में ट्रिप करना, और दूसरा भी है मीनारा के। व्हाट इज दिस भाई। तो दो ऑप्शन है, एक तो तिमूर पार्क जाना और दूसरा है उलुवाटू टेम्पल जाना। अब दिवाली चल रही तो थोड़ा धार्मिक बनता है, टेम्पल चलते हैं। लेट्स गो। इधर मैप डाउनलोड होगा, ठीक है भाई हो जा। तो फाइनली जो कुछ भी डाउनलोड होना था सब कुछ डाउनलोड हो चुका है। वापस वहाँ पे कैसे आ गए भाई उलुवाटू? यस, कैसा मैप है भाई? गोल गोल मैप है। हाँ नहीं, गोल गोल मैप नहीं होगा, शायद से एक रास्ता होगा एंड दूसरा रास्ता होगा। बट इस पूरे ट्रिप करने के सिर्फ अपने को 345 रूपी मिलेंगे। ये रूपी मतलब यहाँ पे आई थिंक ये इंडोनेशिया की करेंसी ये रूपी ही है। आई थिंक बचपन में पढ़ा था रूपी या फिर रूपिया समथिंग ही कुछ तो है, पता नहीं, तुम करेक्ट करो अगर मैं गलत हूँ तो। मैं थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ा था, होप सो मैं सही ही हूँ। हाँ भाई सही हूँ मैं यार, छोड़ो अगर नहीं होगी तो आज से रूपिया करेंसी। ये क्या बोल रहा हूँ। यस, अपनी बस आ चुकी है जिसके टखले पे टायर लगा हुआ है। एंड इस गेम की ये क्रेजी दिक्कत है, ये हिलती ही नहीं बस। ये कहले कैमरा एंगल, अरे नहीं कैमरा एंगल बदलना पड़ रहा है। वो क्या बस है भाई, एक घड़ी ये लगी है दूसरी घड़ी किसी के घर की चुरा कर लाया बंदे ने अपने घर पे, यहाँ पे ट्रक में लगाने, ट्रक नहीं बस में लगाने के लिए। ये कौन बैठा है भाई, इसके टखले पे अंतरिक्ष का चित्रकारी का क्यों बनाई गई है। एंड अपना जो बस है वह अशोक लेलैंड का बस, मेरे पास में एक अशोक लेलैंड का फैक्ट्री है, हाँ उसकी बस है ये। एंड यहाँ पर ये भगवान जी की फोटो लगी है, एंड इधर भी भगवान जी की फोटो लगी है, एंड यहाँ पर लगे छोटे छोटे बेबीज के फोटो। भाई बहुत कुछ है भाई, सब देखेंगे, बट पहले बस को तो चालू कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक बस चालू हो चुकी है, एंड क्या आवाज आ रहा है बस का। एंड हाँ, ये अभी इस कैमरा एंगल से पलटा सकता हूँ ना मैं आजू बाजू का व्यू देखने के लिए। देखो कितने सारे यात्रीगण बैठे हैं इसके टकले पे। ये क्या क्या हो गया भाई, ये अभी तेरे बाल कहाँ पे चले गए, यहाँ के इस बंदे के बाल ही नहीं है वहाँ पे अभी आधे टकले। देखो इस बंदे के बाल अच्छे हैं, ये पता नहीं खिड़की में किसे ताड़ रहा है, उधर देख रहा है उधर। एंड ये बंदा भी, हर एक बंदा उधर देख रहा है भाई। एंड इधर इतने सारे सीट खाली है, देखो यहाँ पे दो सीट खाली है और भी काफी सारे सीट खाली, यहाँ पे दो सीट वहाँ पे तीन सीट खाली, बट ये बंदों को पता नहीं कौन सी खुजली है पिछवाड़े में इनके, अब खड़े है। अबे बैठ जाओ भाई, हमें क्या, हमें तो टेम्पल जाना है दिवाली के अवसर पे। चलो भाई, ये कुछ ज्यादा ही भग नहीं रही है। देखो मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ, मैं उल्टा रास्ते पे जा रहा हूँ, क्या ही क्रेजी रिवर्स होती भाई ये। ड्राइव मोड में डालो एंड टोल नाके में से निकलेंगे। एंड ये टोल नाका इतना छोटा है कि मेरी बस ही नहीं निकल रही वहां से, बट हम लोग निकालेंगे। कैसे नहीं निकलेगी, क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। एंड इस एंगल से तो मैं देखूंगा नहीं, टायर को देख के क्या करूँ, यहाँ से देखेंगे ना अपने बस, क्योंकि यहाँ से अपने को मैप भी दिखता है। देखो यहाँ पे एक मैप के लिए डिस्प्ले लगाई है जिससे हम लोग मैप देख सकते हैं। एंड यहाँ से मारने का लेफ्ट। एंड वो ये कौन सी बस है भाई, क्रेजी हेडलाइट्स थे उसके। एंड मेरे को यहाँ से भी मजा नहीं आ रही क्योंकि ना यहाँ पर इतने सारे चित्रकारिता करी गई है, यहाँ पे पट्टियां लगाई है, तो मेरे को कुछ ज्यादा दिख ही नहीं रहा ढंग से। तो मेरे को लगता है कि मुझे कैमरा एंगल ही बदलना पड़ेगा। एंड वो बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पे, अगर अपने को सीधा सीधा जाने का है। मैंने एक गाड़ी की वाट लगा दी ओमनी की, ठोक ठोक के उसको। पर हाँ भाई तुम देखो, बारिश आती तो कितना ज्यादा क्रेजी ग्राफिक्स दिखते हैं। इसके क्या मैं ग्राफिक्स और एनहांस कर सकता हूँ सेटिंग्स में जाके? विजुअल्स यस भाई, 60 FPS चल रहा है, ग्राफिक्स क्वालिटी हाई चल रही है, सब कुछ हाई है, सब कुछ। पैसेंजर्स इनसाइड बस हाइड कर रखा है बट फिर भी दिख रहे हैं। एंड मैं शो करूंगा तो क्या गायब हो जाएंगे क्या? नहीं, शो करने पर भी दिख ही रहा है, फिर क्या फायदा उस बटन का। एंड अपने को यहाँ पे रुकने का है क्योंकि यहाँ पर वो यात्रीगण अपने इंतजार कर रहे हैं। भाई कितने सारे रुकिए, सर आ रहा हूँ मैं, सर नहीं मैडम आप भी रुकिए। यस सब के लिए मैं रुका हूँ। एंड सब घुस रहे अपने बस के अंदर, मैं बेड के अंदर बोल रहा था। एंड मंदिर जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली पहाड़ के ऊपर तो मंदिर होगा, मैं भी ना नहीं पर पता नहीं ये इंडोनेशिया यहाँ पे हो सकता है अलग हो। इंडिया में तो पहाड़ के ऊपर मोस्टली मंदिर होते हैं, मोस्टली बोल रहा हूँ मैं, और इंडिया में हर पहाड़ पे भी मोस्टली मंदिर होते हैं, दोनों साइड का इसका मतलब एक ही नहीं है। एंड चलो चलते हैं, ये थोड़ा सा मेरे को ना आगे कैसे मैं घुसू भाई, रुको आगे घुस सकता हूँ क्या मैं? हाँ ड्राइवर कैमरा में एडजस्ट कर सकता हूँ, रुको फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा सा पास से करते हैं। एंड ये क्या है, ओ इससे हम लोग आगे जा सकते हैं एंड पीछे भी जा
सकती, तो आगे जाएंगे भाई। तो हाँ, मेरे से जितना जम सकता था मैंने उतना एडजस्ट किया। अभी वापस चलते हैं यहाँ से आगे। एंड कुछ ज्यादा ही तेजी से बारिश नहीं हो रही यहाँ पे भाई, कुछ दिख ही नहीं रहा ये आगे का, एकदम फॉग फॉग सा हो चुका है यहाँ पे। एंड यस, यहाँ पे सिग्नल है, सिग्नल पे रोकना होता है बस से मतलब इंडोनेशिया में, वरना पैसे काटते हैं फिर अपने, वो अपने जेब से ही जाते हैं। एंड इस एंगल से चलाएंगे, इस एंगल से क्रेजी दिख रही है ना, बंदों के पिछवाड़े भी दिख रहे हैं। एंड यस, चलो निकलते हैं सीधा। एंड आगे से मेरे को दो रास्ते दिख रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं नहीं घुस रहा भाई वहाँ पे, मैं जा रहा हूँ सीधा। एंड यहाँ से भी घुसा नहीं है मतलब अंदर। अरे भाई कहाँ घुस गया, रिवर्स लो। एंड यहाँ से जाने का, अरे कौन से बच्चे चिल्ला रहे होते मेरे को नहीं पता, यहाँ पे हर बार कहीं का बस चिल्लाने का ही काम करते। मेरे को लगा नहीं था घुसेगी एक बार में, बट घुस गई दोस्तों। एंड यहाँ पे क्यों ये भूल भुलैया क्यों खिला रहे हैं मुझे? पैसेंजर्स को मैंने बिठा लिया, मेरे को सीधा लेकर चलते यार टेम्पल में, बट नहीं इनको तो घुसवाने का है कहीं पे। क्या यहाँ पे लिखा है स्ट्रेजन क्लीजन टर्मिनल, क्या लिखा है भाई ये सब? यहाँ से मेरे को लेफ्ट जाना है, अबे अभी तो मैं लेफ्ट से आया था। चलो चल के देखते हैं लेफ्ट। एंड लगता है मैं इसको ठोक दूंगा, एंड ठोक दिया मैंने। चलो भाई चलते हैं। एंड अभी दिख रहा है अच्छा क्रेजी व्यू यहाँ से, क्योंकि अभी बारिश जा चुकी है। एंड मुझे अभी सीधा सीधा ही जाने का है, एंड मैं पूरे का पूरा सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा हूँ। एंड ट्रैफिक इतने ज्यादा खाली कैसे है भाई? रेलवे पटरी आ गई थी अभी, हाँ मतलब रोड इतना खाली कैसे है, ट्रैफिक इतनी कम क्यों है? एंड यस, मुझे यहाँ पे ओहो अभी पेट्रोल भराने का है। मैं पेट्रोल वेट्रोल छोड़ो, पेट्रोल आई थिंक अपने पास अभी है, 63 लीटर से अपने पास पेट्रोल। भाई ये बस कौन सी बस आ गई यहाँ पे, फंसा दिया यार ये बस ने यहाँ पे, कहीं से भी घुसाते हैं अपनी बसों को। एंड लगता है अबे वो कहीं से भी नहीं घुसाते, मैं गलत जगह से घुसा है, वो मेरी राइट है ये लेफ्ट साइड, मैं राइट साइड से लेकर। एंड पेड़ को ठोक दिया मैंने अभी। चलो एंड अभी सीधा सीधा ही जाना है, और आई थिंक मेरे को यहाँ पे घुसने का, क्योंकि मैप में भी कुछ नहीं दिखा रहा। ओके नेक्स्ट मैप लोड होगा मतलब अपना। एंड फिजिक्स वाला सर आ गए यहाँ पे, यहाँ पे दिवाली सर। मैं हाँ मैंने 12th का तो काफी सारे चैप्टर्स इनसे ही पढ़े हैं, फिर मैंने JEE JEE के ड्रॉप ईयर में PWC ऑनलाइन क्लासेस लगाई थी, बहुत पूरा समय था वो। चलो आए हम बस चलाएंगे। एंड ये स्टार क्या है यहाँ पे, व्हाट द हेक इज दिस? भाई कैमरा बदलो। अरे क्या लिखा है, दातांग नहीं, पता नहीं क्या लिखा है। अब अपनी बस आगे जाते जाते भाई ट्रक वाला क्या लेकर गया बंदे, इतना तेज नहीं भगाना होता। ओही ओमनी वाला भी तेज भगा, लगता है यहाँ पे सब तेज भगाते हैं। ये फॉर्चून वाला ठोक के चला गया मेरे को। बट यस, अभी बजे देखो शाम के 7:30 मतलब 19:39, मुझे पता है तुमको नहीं दिख रहा होगा, स्क्रीन कट जाती है क्योंकि ये वाले फोन का जो रेशियो है वो 20:9 का रेशियो है। लंबा ऐसा लंबा फोन है ये। एंड यूट्यूब पे मैं 16:9 रेशियो के वीडियोस डालता हूँ, तो जो वो 20 और 16 में जो 4 का डिफरेंस है ना, वो दोनों साइड के बॉर्डर्स कट जाते हैं, वरना ये गेम की फ्रेम ऐसी दिखती है, बट तुमको मैं ऐसे दिखाता हूँ, वो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो साइड का वो चीज है। पीसी में ऐसी चीज नहीं होती, क्योंकि मेरे पीसी का डिस्प्ले का रेशियो 16:9 का ही है, तो उसमें हो जाता है सब परफेक्ट। बट गेम में मतलब गेम में नहीं, पर मोबाइल में जो ये मोबाइल गेम्स है ना, इनको खेलने में अलग ही मजा है भाई, बहुत ज्यादा क्रेजी मजा आती है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये जो स्टेयरिंग है ना, ये स्टेयरिंग से खेलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बचपन से, बट मैं पीसी में स्टेयरिंग की मदद से नहीं खेल सकता, क्योंकि वहाँ पे कहाँ से टच करूंगा मैं, बट यहाँ पे मैं तो टच कर सकता हूँ ना, तो फिर मैं खेल सकता हूँ। पीसी में मुझे बटन से खेलना पड़ता है, यहाँ पे ऐसा स्टेयरिंग घुमाने में क्या मजा आता है। बातों बातों में मैं गलत रास्ते पे तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, सीधे रास्ते पे हूँ मैं। रोटू मार्ट, अब रोटू मार्ट क्यों लिखा है ना, हाँ सोलो में है अपना आई थिंक वो मंदिर, तो सोलो अभी जस्ट आ गई है, तो बहुत ही जल्द हम लोग अपने मंदिर में पहुंच जाएंगे, देन हम लोग मस्त प्यारा सा दर्शन करेंगे। अरे यार ये खंबे बीच बीच में कहाँ से आ जाते भाई, मतलब मैं खंबों पे आ जाता हूँ, भिड़ा देता हूँ अपनी गाड़ी। एंड फिर ये लटकते हुए इमोजी मैं पे हंसते हैं, क्यों भाई ज्यादा हंसी आ रही है, निकाल के फेंक दूंगा। चलो सिनेमैटिक शॉट्स लेते अपने बस के थोड़े बहुत, वाह बस में सिनेमैटिक शॉट्स के चक्कर में अपनी बस को ठोकना दू कहीं पे। अरे भाई जिसका डर था उधर ही ठोक दिया मैं, बट क्या खूबसूरत दिख रही बस देखो। एंड मैं तुमको दिखाना था रात में लाइट्स, क्या अभी लाइट्स चालू होंगे? देखो मेरे को जब ये बस का मैंने मॉड इंस्टॉल किया तो उसमें तो वहाँ पे लाइट्स दिखाए थे कि यहाँ पे ओ दिख रहे, देखो भाई ये लाइट्स ऑन कैसे करके रखूं मैं, भाई ऑन कैसे होते हैं? अरे ड्राइव मोड में, अरे यहाँ पे दबा कर रखना पड़ेगा क्या ये लाइट? ओहो देखो लाइट जगमगा रहे भाई। एंड यस यहाँ से चालू हो गए लाइट्स, और हॉर्न मारते हैं, तो प्रॉपर एक हॉर्न मारेंगे अच्छी सी, और दूसरी हॉर्न, तीसरी हॉर्न,
वाओ। एंड यस, अपने को उलू वातू में जाने का है, एंड उलू वातू अभी आगे आएगा क्योंकि अभी एंड लाइट चालू करने के बाद तो क्या जगमगा रही है अपनी बस। वाओ, एंड ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, 1 2 1 2 3 तीनों ऑन करते हैं एंड देखो इधर से भी क्रेजी जगमगा रही है अपनी बस है ना, एंड आगे से नहीं एंड अंदर से भी क्या ही जगमगा रही है भाई, कुछ ज्यादा ही क्रेजी बस नहीं है। एंड मेरे यात्रीगण कहां गए, सारे उतर गए क्या? अबे किसको मंदिर में ले जाऊंगा मैं फिर? चलो भाई जिनको आना है वो आ जाएगा, आगे भी बस स्टॉप रहेंगे ही ना, पता नहीं क्यों उतर गया, इतनी बुरी बस चलाता हूँ क्या मैं। एंड अंदर से देखो वो मिरर में कितना क्रेजी लग रहा है, एंड अपने मंदिर में भी दो गुलदस्ते रखे जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से जगमगा रहे हैं भाई। डैम, ऐसा गेम होना चाहिए ना जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर सके, आई मीन बहुत ज्यादा रियलिस्टिक हो। एंड मैं फिर से रॉन्ग साइड चला रहा हूँ, लेफ्ट साइड को चलाना होता है। एंड यहाँ से आई थी मेरे को, नहीं नहीं सीधा जाने का है। एंड वो देखो ऊपर कैसे तीन छोटे छोटे वो लड़की, नहीं चार लड़के भाई, नहीं 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 पूरे डिस्प्ले बोल रहा, पूरे के पूरे आगे के विंडो पे लटके, देखो यहाँ से लेकर वो उधर भी, एंड ये बंदर, अबे बंदर भी लटका है क्रेजी भाई क्रेजी बंदर मामा भी मस्त यहाँ पे डोल रहे हैं, मेरे तरफ देख रहा है गाड़ी कैसे चला रहा होकर के मैं। एंड यस, यहाँ पे देखो दिवाली स्पेशल अपनी बस है तो दिवाली के लैंटर्न्स भी लगे हैं। एंड बारिश पता नहीं क्यों बिन मौसम बरसात यहाँ पे हो जाती है हमेशा, बारिश 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 बारिश। एंड ये देखो कोई तो भी गेट आ गई यहाँ पे, पता नहीं यहाँ पे मतलब कौन सी मूर्ति लगी, बट आई थिंक यहाँ से अपना उल्ला उत्ता जो अभी यहाँ पे भी अपने को जाना है वो स्टार्ट हो रहा होगा, होप सो स्टार्ट हो जाए। नया मैप लोड हो जाए भाई जल्दी, एंड मैम अपलोड होने वाला है, हो गया लेट्स गो। एंड यहाँ पर देखो देखते थे हम लोग पता नहीं कौन से शहर में पहुंच गए, ये हो गया करता है मैं। एंड यहाँ पे कितना क्रेजी मार्केट दिखा मेरे को अभी, होप सो तुमको दिखाओ। एंड हम लोग भाई रात में ट्रैवल कर रहे हैं, जब से रात ही है बट रात में बस भी तो क्रेजी दिख रही है। ऐसे लेफ्ट लो भाई, एंड ट्रक को ठोक दिया मैंने, चलो फटाफट से। एंड ये कितना ब्यूटीफुल सा एकदम आर्किटेक्चर था वहाँ पे, आया मुझे किसी का बुलावा आ गया है, मैं जा रहा हूँ बम फोड़ने के लिए दिवाली के। मैं पिछले देखो आधे घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो गया भाई बस चला गया। इसका अगर तुमको पार्ट टू चाहिए जिसमें हम लोग एक्चुअली इस ट्रिप को कंप्लीट करें तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी मैं तो जा रहा हूँ अभी फटाफट से बम फोड़ने, तुम भी आई मीन जिनको फोड़ना है फोड़ो जिनके श्रद्धा अनुसार, बस हाँ सेफली करना जो भी करना है ना, अपने फैमिली मेंबर्स और अपने आस पड़ोस के लोगों को मिठाइयाँ खिलाना बिल्कुल मत भूलना। मेरी तरफ से भी सभी को दिवाली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। अबे हाँ आया मैं, बाय बाय।